पुराने जमाने की बात है, खुरासान का बादशाह शिकार खेलकर वापस आने के बाद तख्त पर बैठा था। थकावट की वजह से उसकी आंखें भूजल हो रही थी। बादशाह के पास एक गुलाम हाथ बांधे अदब से खड़ा था। बादशाह को सख्त नींद आई हुई थी, मगर जब भी उसकी आंखें बंद होती तो एक मक्खी आकर इसकी नाक पर बैठ जाती। नींद और बेख्याली की वजह से बादशाह को गुस्से से मक्खी को मारने की कोशिश करता, लेकिन उसका हाथ अपने ही चेहरे पर पड़ता था। वो हड़बड़ाकर जाग जाता था। जब दो तीन दफा ऐसा ही हुआ तो बादशाह ने गुलाम से पूछा, तुम्हें पता है कि खुदा ने मक्खी को क्यों पैदा किया? उसकी पैदाइश में उसकी क्या हिकमत पोशीदा है? गुलाम ने बादशाह का ये सवाल सुना तो इसने ऐसा जवाब दिया जो सुनहरे हरफों में लिखे जाने के काबिल हैं। गुलाम ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, खुदा ने मक्खी को इसलिए पैदा किया कि बादशाह हो और सुल्तानों को एहसास होता रहे कि वह खुद को कहीं खुदा ना समझ बैठे, क्योंकि वह इतने बेबस और लाचार है कि खुद से एक मक्खी को भी काबू नहीं कर सकते।